धान में लहलहाते हरे भरे खेत और नारियल के पत्तों से ढकी हुई ये झोपड़ी, जिसमें हवा और प्रकाश के लिए एकमात्र रास्ता बना हुआ है, यहीं इसी झोपड़ी में जन्म हुआ नारायण गुरु का सन 1854 में। ये चिम्माजंती गांव के मदन आशन और कुट्टी अम्मा का आशियाना है, जो नारायण गुरु के माता पिता बने। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम यानी आज का तिरुवनंतपुरम। यहाँ लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर गांव है चिम्माजंती। 1854 यानी ये भारतीय समाज व्यवस्था का वो दौर था जब छुआछूत अपने चरम पर थी और मानवतावाद विषमता की वेदी पर बड़ी बेदर्दी से छला जा रहा था। केरल भी इससे अछूता नहीं था। कई जातियों में बटे हुए समुदाय एक दूसरे को ऊंचा और नीचा बनाए रखने की जुगत में मानवीय सभ्यता को कलंकित किए हुए थे और पूरी समाज व्यवस्था पर सवर्णों का वर्चस्व था। महिलाओं की स्थिति तो इतनी बुरी थी कि निचली जाति की महिलाएं घास फूस से ही अपने आप को ढक लेती थी और एक बेबस जीवन को जीने के लिए मजबूर थी। जबकि त्रिवेंद्रम का शुमार उस वक्त त्रावणकोर महाराजाओं की राजधानी के रूप में हुआ करता था, फिर भी असमानता, घृणा और अंधविश्वासों की आग में तिल तिल जलते केरल राज्य में नारायण गुरु के पिता मदन आशन एक ख्याति प्राप्त शिक्षक थे और इज़वा जाति के होने के बावजूद संस्कृत भी जानते थे और पेड़ पौधों की औषधीय गुणों की जानकारी भी रखते थे। इज़वा बिरादरी में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। सप्ताह में एक दिन इसी झोपड़ी के आंगन में पूरा गांव इकट्ठा होता था और मदन आशन का उपदेश सुनता। उस समय उनके प्रवचन के विषय थे साफ सफाई रखना, मेहनत करना, शिक्षा ग्रहण करना, नशीली चीजों का सेवन न करना, जीव हिंसा न करना आदि। ऐसे सात्विक और सदाचारी परिवार में नारायण गुरु, जिन्हें घर में नानू के नाम से पुकारते थे, पल रहा था, बढ़ रहा था। मदन आशन कोई संपन्न व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इज़वा बिरादरी में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। नानू की माँ कुट्टी बुद्धिमत्ता और दयालुता की साक्षात मूर्ति ही थी। नानू अपनी माँ से बेहद प्यार करता। कुट्टी का स्थानीय भाषा में मतलब होता है निर्दोष, यानी एक सभ्य परिवार के शालीन वातावरण में गुरु नारायण का बचपन बीता। नानू यानी नारायण के प्रथम शिक्षक तो उनके पिता ही रहे, लेकिन वे बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि, अच्छी याददाश्त के स्वामी थे। घर पर ही उन्होंने मलयालम, तमिल और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और औपचारिक पढ़ाई के लिए चिम्माजंती के मुत्ता पिल्ले के स्कूल में जाते थे। क्योंकि स्कूल में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और नारायण ने तो प्राथमिक शिक्षा का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था, अब गुरुकुल के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था और नारायण की उम्र बहुत छोटी थी, तो वे घर पर ही रहने लगे और अपने ज्ञान को और भी पुख्ता करने लगे। लेकिन जैसे कि कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, तो इज़वा बिरादरी के लोग ये समझ चुके थे ये बालक बड़ा ही विलक्षण है और एक दिन बहुत महान बनेगा। नारायण अब घर में बैठे बैठे क्या करते, तो गांव के परिवेश के लिहाज से वे दोपहर में जंगलों, पहाड़ों, चारागाहों में अपने मवेशी चराने ले जाने लगे और इस दरमियान उनका मन ज्ञान की लालसा में लगा रहा। जंगल की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच वे समाधि लगाकर चिंतन करने लगे और अपनी बौद्धिक भूमि को और भी पुष्ट करने लगे। नारायण का स्वभाव बड़ा ही कोमल और मन करुणा से भरा हुआ था। नारायण के बचपन की एक घटना है, जब वे मात्र 6 साल के थे तो उनके चाचा की मृत्यु हुई। सारा परिवार गम में डूब गया, रोना पीटना चल रहा था। नारायण ये सब देखकर बड़े दुखी हो गए, लेकिन उसके 2 दिन बाद उन्हें बड़ी हैरानी हुई। घर के सब लोग हंसी मजाक में मशगूल हो गए और वे घर से गायब हो गए। जंगल में जाकर चिंतन करते उनकी इस भावना सुलभ संवेदनशीलता से पूरी बिरादरी परेशान हो गई। अब जो नारायण स्कूल नहीं जाते थे, आलस्य में घर में बैठे तो नहीं रहते थे, तो जब उनके माता पिता खड्डी पर कपड़ा बुनते तो नारायण भी उसमें हाथ बटाते।
नानू को कभी भी उसके माता पिता ने अपने कामों की याद नहीं दिलाई। एक वाकया तो ऐसा भी है कि एक दिन अचानक नारायण घर से चले गए, किसी को भी बिना बताए। वैसे तो घर से इस तरह उनका निकल जाना परिवार के लिए बड़ी आम बात थी, लेकिन इस बार वे जो गए तो लौटे ही नहीं, तो सब चिंतित हो गए। दरअसल नारायण को चेचक निकल आया था और वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी को तकलीफ हो, तो वे दूर जंगल में एक सुनसान मंदिर में जाकर रहने लगे। लेकिन चेचक और दर्द की पीड़ा से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। फिर भी वे घर पर लौटे तब ही जब उनका चेचक पूरी तरह ठीक हो गया। एक असामान्य व्यक्ति के लक्षण नारायण में बचपन से ही मौजूद थे। नारायण बचपन में ही श्लोक के अर्थ बड़ों बड़ों को समझाकर बताते थे, और इसलिए पूरा परिवार ये समझ गया था कि ये बालक पशु चराने और खेती बाड़ी के काम का नहीं है, इसे उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। और फिर नारायण उच्च शिक्षा के लिए करुणा गप्पली नामक एक जाने माने विद्वान के गुरुकुल में भेज दिए गए। छुआछूत तो इस गुरुकुल में भी थी। नायर बच्चे गुरु के आश्रम के अंदर बैठते थे और यजवा जाति के बच्चे आश्रम से बाहर। ये बात नारायण को बड़ी खलती। पढ़ने लिखने के प्रति नारायण की लगन इतनी थी कि उन्होंने जल्द ही गुरुकुल में अपनी पूरी शिक्षा ले ली और उनके अग्रज छात्रों को भी पीछे छोड़ने लगे। नारायण की विद्वत्ता से गुरु करुणा गप्पली काफी प्रभावित हुए और उन्हें गुरुकुल का छात्र नायक बना दिया। खाली समय में छात्र गुरुकुल में खेलने कूदने तथा हो अल्ला मचाने में अपना वक्त बिताते थे, लेकिन नारायण उनका ये पूरा समय ध्यान में बिताते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने विद्यादान को ही अपने जीवन का मुख्य कार्य बनाया। उन्होंने कदाकुवर और अंचुतेंगु में अपना गुरुकुल खोला और अब वे बन गए गुरु नारायण। अध्यापन कार्य के साथ ही उन्होंने कई कविताओं की रचना की। इस समय गुरु नारायण का निवास एक मंदिर के अहाते में था और ध्यान तथा प्रार्थना में लीन होने के कारण एक धार्मिक युवक के रूप में उनकी ख्याति सब दूर पहुंचने लगी। अब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु नारायण के गुरुकुल का ही रुख करते थे। कन्याकुमारी के पास मरुत पर्वतमालाएं हैं, यही वो स्थान है जहाँ तीन बड़े समुद्र मिलते हैं। इसी की गोद में कई गुफाएं और कंदराएं हैं, जिनमें से एक है पिलाथ धाम गुफा। चारों तरफ घने पेड़ों से घिरे इस स्थान को गुरु नारायण ने अपनी साधना के लिए चुना। यहीं बैठकर उन्होंने जीवन के शाश्वत सत्य की खोज की। निष्कर्ष में एक ही बात सामने आई, सभी प्राणी मात्र एक है। वे जाति धर्म अंधविश्वास अज्ञानता मत मतांतर और रीति रिवाजों के कारण आपस में बंटे हैं। उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे के खून के प्यासे इस मानव को प्रेम करुणा भाईचारे की शिक्षा देकर एक सच्चे विश्व धर्म की स्थापना की जा सकती है और ये ही मानवता की सच्ची सेवा होगी। गुफा में बैठकर उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश का ताना बाना समझने की कोशिश की और फिर निकल पड़े सामाजिक भेदभाव खत्म करने की दिशा में। इसके लिए उन्होंने दो ही साधन चुने, समाज जीवन को शील सदाचार की शिक्षा देना तथा लोगों में रोजगार परख प्रवृत्ति पैदा करना, जो समूचे मानव समाज को उन्नति की राह चलाएगी। अब वे फटे पुराने कपड़े ओढ़े गांव गांव घूमने लगे, जो मिला वो ही खाया और जहां शाम ढली वहीं उनका बसेरा होता था। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, दो मनुष्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना। अब वे घर की सांसारिक जिम्मेदारियों से पूर्णतः विरक्त हो चुके थे और उन्होंने सिर्फ नायर और यजवा जातियों के बीच ही समन्वय स्थापित किया, ऐसा नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों के बीच भी भाईचारा विकसित करने के लिए जूझते रहे। गुरु नारायण की मान्यता थी कि धर्म इंसानों को आपस में जोड़ने का साधन है। वे चाहते थे कि एक जातिविहीन समाज का निर्माण हो, कि वे बच्चे जो बुद्धिमान हैं अध्ययनशील हैं परिश्रम करते हैं लेकिन अभावग्रस्त हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा करें, स्वयं निर्भर बनाएं। सामाजिक जीवन में दबे कुचले पददलित लोगों को
नारायण गुरुजी ने लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की व्यवस्था का मार्ग सुझाया। समाज में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ उन्होंने विशेष अभियान चलाया और गुरु नारायण के साथ उनकी बात समझने वाले अनुयायियों की संख्या अब बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने श्रीलंका की यात्राएं भी की और वहां के धार्मिक जीवन का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। वे बौद्ध भिक्षुओं की जीवन शैली और विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुए। सन 1927 में श्रीलंका से लौटने के बाद उन्होंने अपने मिशन को संगठित रूप प्रदान करने की दिशा में नारायण धर्म संघ की स्थापना की। गुरु नारायण ने त्रिचूर में एक मंदिर बनाया और उस कारामुदु मंदिर में मूर्ति के स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ बनाया। शिवगिरी में गुरु नारायण ने शारदा मठ की स्थापना की। गुरु नारायण का शिक्षा मिशन यहीं से चलता। उनकी मान्यता थी कि स्कूल ही असली मंदिर है। अपने हर भाषण में वे अपने मिशन के 8 उद्देश्य जरूर गिनाते। शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान, भक्ति, एकता, कृषि, व्यापार, गृह उद्योग और तकनीकी ज्ञान, यही हमारे उत्थान के साधन है। गुरु नारायण ने अपने समूचे जीवन में जो कार्य किया उन्हें अपनी कविताओं में, अपने लेखों में उतार कर रखा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिज्जद चिंतनम और दैव चिंतनम, जो गद्य है। 1928 में सितंबर माह की 20 तारीख को इस दुनिया को अलविदा कहा। बनजाक्षी मंदिर के कुंज में आज भी मानवता के इस पुजारी के सम्मान में लोग इकट्ठा होते हैं और सामाजिक परिवर्तन की राह चलने का संकल्प लेते हैं, मानवीयता की राह पर अग्रसर होते हैं।